हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सतना शहर की कुछ अनसुनी व दिलचस्प बातें। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सतना शहर की जानकारी सभी को मिल सके और हमारे चैनल माई सिटी जोन को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पहले बघेलखंड की राजधानी रीवा थी, उसके अंतर्गत सतना शहर आता था। इस कारण राजघराने के जमाने का प्रभाव आज भी सतना में देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि सतना में स्टेशन का निर्माण आबादी के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर रीवा के जो छोटे राज्य थे, इन सभी पर नजर रखने के लिए और ब्रिटिश सेना को लाने के लिए सतना का रेलवे स्टेशन बनाया गया था। पहले सतना नगर को रघुराज नगर कहते थे। सतना केवल स्टेशन का नाम था, न कि किसी शहर का नाम था। बाद में वर्तमान सतना को इसी नाम से लोकप्रिय किया गया। सतना नगर पहले माघवगढ़ तहसील में आता था, बाद में रघुराज नगर में शामिल किया गया। सन 1948 में सतना जिला बना था। सन 1863 में रीवा राजा ने ईस्ट इंडियन रेलवे को रेलवे लाइन निकालने के लिए वरदागी बाजार की जमीन दिया था। सन 1865 में रेलवे स्टेशन बना और इलाहाबाद जबलपुर के बीच पहली ट्रेन सन 1867-68 में प्रारंभ हुआ। सन 1873 में सतना रेलवे स्टेशन का पूरा काम हो गया था। दोस्तों, हमारे सतना शहर के रेलवे स्टेशन में कई महान नेता भी आए, जैसे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सर सी वी रमन, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जैसे महान व्यक्ति इस शहर में आए। गांधी जी और लाला लाजपत राय ने सतना स्टेशन के बाहर आकर जनता को संबोधित किया था। सन 1887 में रीवा राज्य की ओर से शहर का बाजार अस्पताल 80,000 रुपए लगाकर बना था। सतना में नगर पालिका की स्थापना सन 1921 में 31 मई को हुआ था। सन 1947 में सतना नगर पालिका के लिए पहला सतना की पहली लोकल स्कूल सन 1865 और हाई स्कूल सन 1887 में बनी। इसके बाद कन्या स्कूल सन 1909 में। सतना शहर के नजीराबाद बस्ती को हाजी नजीर सौदागर ने लोगों को जमीन मुफ्त में देकर बसाया था। सतना नदी का मेला सन 1920 सेकंड प्रारंभ हुआ, उसके बाद निरंतर हर साल आज तक चला आ रहा है। रीवा रोड स्थित सज्जनपुर के पास रामबन की स्थापना बाबू शारदा प्रसाद जी सन 1939 में की थी। सतना शहर में पहली बस सर्विस सन 1920 में पंडित रामचरण ठेकेदार ने सतना से रीवा के लिए प्रारंभ किया और रामचरण मुन्नूलाल ने पन्ना सतना बस सर्विस सन 1924 में चलाई। सतना शहर के जगतदेव तालाब सन 1867-68 में अकाल के समय रीवा के जगतदेव पांडे ने सार्वजनिक उपयोग के लिए बनवाया था। उतैनी के नारायण तालाब सन 1896-97 में अकाल के समय बना था। बिजली का प्रकाश 29 अगस्त 1934 में सतना में प्रारंभ हुआ। उस समय शहर के लोग बिजली की जानकारी न होने से इसे भय की नज़र से देखते थे और बिजली को अंग्रेजों की चाल समझते थे और बिजली उपयोग करने से बचते थे। शहर के उतैनी के पास स्थित हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1941-44 में बना, जिसमें 14 लाख रुपये खर्च हुए थे। सतना में पहली साइकिल बाबू वरदाचरण जी ने खरीदा था। सतना शहर का पहला टॉकीज सन 1941 में मोहम्मद हुसैन ने मार्टिन टॉकीज नाम से बनवाया था, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को एक और बात जानकर हैरानी होगी कि सतना के सिविल लाइन के पास कुत्तों की भी कब्र बनी है, जो कि अंग्रेजों ने बनवाई थी और यह भारत की पहली अनोखी कब्र थी। सतना शहर में पहला प्रमाणित कत्ल ब्रज वल्लभ मीर ने सन 1910-11 में एक लड़का का कत्ल किया था। सतना शहर में पहली बार बाढ़ 8 अगस्त 1923 में आई थी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।